नमस्कार, मृदुभाषी के खास सेगमेंट एस्ट्रोभाषी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फलों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। आज व्यापार में प्रगति से आपको काफी हर्ष होगा। वैवाहिक जीवन भी आज आनंददायक बीतेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा महसूस होगा। सायंकाल से रात्रि तक पत्नी और बच्चों के साथ आसपास की यात्रा का योग है। घूमने फिरने के दौरान भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र की अपने भाव में स्थिति और चंद्रमा का मकर राशि में संचार आश्चर्य और मन संतोष का देने वाला है। बहुप्रतीक्षित शुभ परिणाम से हर्ष होगा। रात्रि का समय प्रिय दर्शन हास्य विनोद में व्यतीत होगा, जिससे आपको दिमाग में रिलैक्स मिलेगा। मिथुन राशि के अधिपति बुध प्रथम भाव के तथा चंद्रमा मकर राशि का है। फलस्वरूप आज जो भी आप काम करेंगे सरलता से बन जाएगा। व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद न करें, खर्च में कटौती करना बहुत आवश्यक है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज आपके विरोधी परास्त होंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा, किंतु वाणी पर संयम रखें। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। सायंकाल से लेकर रात्रि तक पर्यंत पर प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। यात्रा में सावधानी रखें। सिंह राशि का स्वामी सूर्य एकादश लाभ भाव में तथा अष्ट भाव में चंद्रमा है। इनसे सांसारिक सुख भोग सम्मान वृद्धि भाग्य विकास का सुयोग तो चल ही रहा है, नई खोजों में भी रुचि बढ़ेगी। पुराने मित्रों से मिलने से नई आशाओं का संचार होगा और घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। कन्या राशि के लोग आज किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। काम का भार भी आज कुछ ज्यादा अनुभव करेंगे। अपने जूनियर से काम प्यार से निकालना होगा। घर में भी सुमति से वातावरण हल्का फुल्का बनाए रखें। खुशी खुशी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए आज का दिन मिला जुला प्रभाव रखेगा। किसी भी मामले में फैसला जल्दबाजी से ना करें। व्यक्तिगत मतभेदों को व्यवसायिक मामलों के बीच मिलाने से हानि हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज आपकी अपने साथियों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी राजनयिक से निकटता और दोस्ती होगी और उसके साथ ही अनुभव का लाभ भी आपको होगा। विद्यार्थियों को लेकर सलाह है कि आपका अधिक से अधिक समय आप अध्ययन में लगाएं। सायंकाल से लेकर रात्रि का समय पूजा पाठ और किसी धार्मिक अनुष्ठान में व्यतीत होगा। धनुराशि से सष्टम शत्रु भाव में धनुराशि का गुरु व सप्तम भाव में चंद्रमा आज सर्वत्र विजय विभूति सफलता देने वाला है। पराक्रम वृद्धि से शत्रुओं का मनोबल गिरेगा। बच्चे खेलकूद में तो पत्नी हास्य रस में विभोर रहेंगी। दूसरों की मदद करने से सुकून मिलेगा। मकर राशि के लोगों के लिए आज आपको कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। कोई पुरानी महिला मित्र से अकस्मात धन लाभ का हर्ष हो सकता है। रोजी रोजगार की दिशा में भी सफलता मिलेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि तक यात्रा का योग है। कुंभ राशि का स्वामी शनि उदय हो चुका है। द्वादश व्यय में चंद्रमा संतान पक्ष से हर्ष और लक्ष्मी की बड़ी मात्रा में प्राप्ति से कोष वृद्धि कारक है। अपनी उत्तम कार्यशैली व मृदु व्यवहार का आज आपको अधिक लाभ मिलेगा। मीन राशि के लोगों के लिए आज सुबह से ही भागदौड़ रहेगी। किसी मंगलमय व धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं में व्यस्त रहेंगे। पिता व उच्चाधिकारियों से शाबाशी मिलेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि तक जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। इसी के साथ आज के एस्ट्रोभाषी में इतना ही। अगर आपकी कोई परेशानी या सवाल है तो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के जरिए। हम कल फिर लौटेंगे आपके दिन से जुड़ी बड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मृदुभाषी।